बस्तर जिले के भानपुरी थाना पुलिस ने ग्राम कुंभली गुंडागुंडा में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश से शराब परिवहन कर बस्तर में खपाने के लिए आ रही एक महिंद्रा एसयूवी कार को रोककर चेकिंग के दौरान 10 पेटी रॉयल स्टेक व 10 पेटी गोवा शराब के साथ कार सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बस्तर थाना पुलिस ने थाने के सामने मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार को रोककर उसमें रखी 15 पेटी गोवा शराब जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी पुलिस अधिकारी ने कुछ इस प्रकार। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों में वार्षिक उत्सव मनाने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। इसी कड़ी में कैंप वन भिलाई में स्थित महाराज राजेश्वरी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का वार्षिक उत्सव रविवार को संपन्न किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का सम्मान विधि अनुसार किया गया एवं उन्हें पौधे भेंट किए गए। इस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में मंच के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी, साथ ही मनमोहक रंगोली भी बनाई। विद्यार्थियों ने आनंद मेले का आयोजन करते हुए स्वादिष्ट व्यंजन भी पकाए, जिनका स्वाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के अलावा अन्य लोगों ने चखा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई रंगोली का अवलोकन करते हुए उन्हें प्रथम द्वितीय श्रेणी में चिन्हांकित भी किया गया। यह वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न हुआ और तीनों ही चरणों में हुए कार्यक्रम के विजेता रहे विद्यार्थियों को प्रबंधन द्वारा अतिथियों के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र और उपहार प्रदान किए गए। जहाँ कार्यक्रम की जानकारी माँ राजेश्वरी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की संचालिका बी पुलम्मा ने दी, तो वहीं प्रबंधन के कार्यों को सराहना करते हुए वार्ड पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने आयोजन की शुभकामनाएं दी। आज इन बच्चों के द्वारा विगत हम लोगों का 8 महीना हो गया इस प्रशिक्षण केंद्र का शुरू हुए। बच्चे जो है समय समय पर जो अपने जो प्रतिभा जो है इन लोगों का हमने कराया हुआ है। आज एक मंच के माध्यम से जो है इन बच्चों का जो है एक वार्षिक उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है, ताकि जो जिन बच्चों ने भी जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिए हैं उनको सभी को जो है एक मंच के माध्यम से जो है उन्हें हमने ओपन इसमें किया कि ताकि इन सभी बच्चों को जो है अंदर छिपी हुई प्रतिभा बाहर भी निकले और जो डर है इनका उस डर को हम समाप्त कर सकें। बच्चों ने कुकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है और पेंटिंग की प्रतियोगिताएं हुई है, रंगोली प्रतियोगिताएं हुई है, बच्चों ने जैसे संगीत में पार्टिसिपेट किया है, गीत में भाग लिया हुआ है, इन्हीं सब बच्चों को लेकर के जो है आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराज राजेश्वरी कंप्यूटर प्रशिक्षण जो चलाया जा रहा है भैया, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि बी पुलम्मा जी जो हैं हमारी बड़ी बहन, इनके द्वारा ये चलाया जाता है। वो काफ़ी सारी एनजीओ और भी वो चलाती हैं और उनका जो ये कार्य करने का शैली है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके वजह से ही हमारे क्षेत्र के बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है और वो क्या है यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के बाहर जा रहे हैं, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। वो हमारा यही उद्देश्य है और हमारा यही आशीर्वाद भी है कि वो आगे बढ़ें और हमारे कैम्प क्षेत्र का, हमारे शहर का नाम रोशन करें। और आज बच्चों ने भैया कुकिंग क्लास में भी भाग लिया हुआ है, रंगोली में पेंटिंग बनाई है उन्होंने, तो ये सब चीज़ें देख करके बाकी बच्चे भी जो हैं वो भी उत्साहित होंगे, उनके मन के अंदर जो भी कला है वो बाहर निकल के आएगी, तो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। थैंक यू। गौरतलब है कि माँ राजेश्वरी महिला स्व सहायता समूह लगातार कैंप क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक करते हुए स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही है और आगे भी इस तरह कार्यक्रम करते रहने की बातें कह रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।